राजकीय अस्पताल के लिप कार्मिकों व संविदा कर्मियों ने विभिन्न मांगों को लेकर उपखंड मुख्यालय पर ज्ञापन सौंपा। व उपखंड अधिकारी शिवराम वर्मा को ज्ञापन देकर कोविड-19 सैंपलिंग संग्रहण को लेकर आ रही समस्याओं के समाधान कराने की मांग की। वहीं लिप कार्मिकों ने बताया कि राजकीय सीएचसी में केवल 6 कार्मिक ही पदस्थापित है, वह सभी कोरोना के चलते सैंपलिंग करने में लगा देने से अन्य रोगियों की जाँच नहीं हो पाती है, जिसके चलने से रोगियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा इस समस्या को देखते हुए राजकीय सीएचसी में अतिरिक्त लैब टेक्नीशियन लगाए जाए। उसके बारे में हमने आज माननीय एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने मांग करी है कि प्रशिक्षित व्यक्ति को सैंपल लेने में लगाया जाए और जो बाहर से जो स्टाफ लगाया जाए उसके रहने के खाने की व्यवस्था की जाए और जो टीम सैंपल्स देती है उनकी अधिकतम संख्या 100 से क्रॉस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनके जो एसआरएफ आईडी है वो जनरेट नहीं हो पाती है रात को 10-10, 11-12 बजे तक। तो ये जो समस्या काम की है ये तर्कसंगत हमने करने की मांग की है और जो शहरी क्षेत्र के जो कैंप है वो बालवाड़ी में ही रखे जाए, वार्ड वाइज व्यक्ति आके जांच करवाएंगे। माननीय एसडीएम साहब ने इन समस्याओं के समाधान का हमें पूरा आश्वासन दिया है और मैं साथ ही सीएससी विधानसभा में जो सेवाएं प्रभावित हुई है उस लैब को भी हमने चलाने का इनको